हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि कोई भी एडवोकेट साहब के द्वारा यदि आपके फाइल को रखा जाता है, आपके फाइल वो लेते हैं आपके तरफ से पैरवी करने के लिए कोर्ट में, और वो कोर्ट में पैरवी भी करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपको लगता है कि मेरे केस को ये ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, या सामने वाले पार्टी से मिल गए हैं, या फिर सही से ये काम नहीं कर रहे हैं। कोई भी स्थिति हो सकता है, आपके मन में ये किसी भी प्रकार का डाउट्स आता है और उस डाउट को आप क्लियर ना करके आप चाहते हैं कि मैं वकील ही चेंज कर लूं, आप दूसरा वकील अपॉइंट करना चाहते हैं अपने केस में पैरवी करने के लिए दूसरे वकील को लेना चाहते हैं, तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से वो वकील साहब से आप अपना फाइल वापस लें, क्योंकि वकील साहब तो आसानी रूप से फाइल देंगे नहीं। आपको पता ही होगा कि जो वकील साहब एक बार आपके फाइल को लेते हैं, फिर आप उनसे फाइल लेने जाएंगे तो वो बहुत प्रकार की बातें कर सकते हैं कि मेरा फीस दीजिए या कुछ जो भी बातें होती, वो आसानी रूप से तो फाइल देगा नहीं। लेकिन आसान रूप से यदि फाइल वो नहीं देते हैं और आप वकील चेंज भी करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आपको क्या कानून का सहारा लेना चाहिए, कानून में क्या प्रोविजन है, तो इसी को आज मैं बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे वीडियो को, तब तक ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स के पास जाएगा नहीं और ये वैल्यूएबल जानकारी उनको मिल नहीं पाएगा, और ये जानकारी यदि नहीं मिलेगा तो इसका नुकसान उनको हो सकता है। तो इसी सब के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर भी करने का कोशिश कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि क्लाइंट के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कुछ समय बाद जब उनके वकील के द्वारा कोई प्रोसीडिंग किया जाता है, काम किया जाता है उनके केस पे, लेकिन क्लाइंट को लगता है कि मेरे वकील साहब सही से काम नहीं कर पा रहे हैं या सामने वाले पार्टी से मिल गए हैं, तो उस पे क्या है कि क्लाइंट को जब डाउट्स होते हैं तो वो चाहते हैं कि मैं उनसे अपना केस ले लूं और दूसरे वकील को अपने केस में पैरवी करने के लिए अपॉइंट करूं। तो देखिए, वकील साहब काम सही से कर पा रहे हैं या नहीं, यह आप नहीं समझ सकते सही तरीके से, क्योंकि वकील साहब का काम है कोर्ट में प्रोसीडिंग करना, कोर्ट में किस तरीके से केस की पैरवी होगा, वो केस पे काम करना, उन चीजों को आप कानूनी दावपेच जो है उसको आप नहीं समझेंगे। और वकील साहब का ये काम भी नहीं होता कि आपको कानूनी दावपेच को समझाएं, उनका वो चीज जो है कोर्ट में काम होता है, वो कोर्ट में समझाएंगे। वकील साहब का सिर्फ काम होता है कि आपका जो केस है उस केस को वो आपको समझाएंगे कि जो आपका प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में सॉल्यूशन का ये रास्ता है, इस सॉल्यूशन पे काम करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी ने आपका पैसा ले लिया है और वो नहीं दे रहा है, तो आप वकील साहब के पास यदि जाएंगे कि मेरा इसने पैसा लिया है और ये पैसा नहीं दे रहा है तो किस तरीके से मैं इसे पैसे वापस लूं, तो वकील साहब के पास जो सॉल्यूशन रहेगा वो सॉल्यूशन ये वो बताएंगे कि आप इस पैसे को वापस लेने के लिए किसी भी सिविल कोर्ट में रिकवरी सूट डाल दीजिए और उस सूट के द्वारा आप अपना केस की जो है पैरवी हमसे करा सकते हैं और पैसे वापस ले सकते हैं उस पार्टी से। अब यदि वो केस लेते हैं और कुछ समय बाद आपको लगता है कि नहीं, ये केस में काम ही नहीं कर रहे हैं सही से, तो ये चीज सोचना बेकार की सोच है, ये सोचना गलत है, क्योंकि अब यहां पे वो तो बता दिया कि इस केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जिससे आपकी मनी रिकवरी हो जाएगी। अब कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग है, कोर्ट का क्या प्रोसीजर है, ये समझाना वकील साहब का काम, क्लाइंट का नहीं होता है। दूसरी बातें, हां, यदि ये है आपके मन में, आपको किसी भी प्रकार का इस प्रकार का डॉट्स है कि वकील साहब ने सामने वाले पार्टी से मिल गया है, जिस तरीके से उनको बहस करना चाहिए, जिस तरीके से उनको कोर्ट में अपनी बातों को रखना चाहिए, उस तरीके से वो अपने बातों को कोर्ट में नहीं रख पा रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, और इस वजह से यदि आपके मन में कोई डाउट्स है तो इस डाउट को जेन्युइनली समझा जा सकता है, और इस बिहाफ पे आप उनसे यदि चाहें तो आप फाइल ले सकते हैं और दूसरे वकील को अपने
केस में पैरवी करने के लिए अप्रोच कर सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में यदि आप वकील साहब के पास जाते हैं, उनसे अपने फाइल की डिमांड करते हैं, तो वो फाइल देने से इनकार कर देते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, हमारा फीस ड्यू है, मेरा फीस क्लियर करो, उसके बाद मैं फाइल दूंगा, या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। यदि फीस ड्यू है वकील साहब का जेन्युइनली रूप से, तो फीस तो आपको पे करना ही पड़ेगा। फर्स्टली यू हैव टू पे हिज फीस, उसके बाद आपको वो फाइल देंगे वापस। तो फीस ड्यू कर दीजिए, फाइल वापस ले लीजिए। यदि फीस ड्यू नहीं है फिर भी वो फाइल नहीं दे रहे हैं, तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि उनसे लड़ना झगड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए, लड़िए झगड़े नहीं, आपको कानून का सहारा लेना चाहिए। आपको किसी और वकील साहब के द्वारा उनको एक नोटिस भिजवा देना चाहिए, और उस नोटिस के साथ जो है एक एप्लीकेशन कंसर्न कोर्ट में लगा देना चाहिए, और जज साहब जिससे अवेयर हो जाए कि इस केस में इनको वकील नहीं रखना चाहते, वो दूसरा वकील रखना चाहते हैं, इसीलिए ये वकील यदि आए तो यहाँ पे ये पैरवी नहीं कर सकते, मेरे किस केस में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता, तो होना चाहिए। दूसरी बात है कि आपका जो कोर्ट के अंदर जो बार एसोसिएशन का ऑफिस होता है, वो बार एसोसिएशन के ऑफिस में आप इसके लिए कंप्लेंट कर दें, और हो सके तो स्टेट बार काउंसिल में भी वकील के खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हैं, और वहां पे कंप्लेंट देने के बाद आपके मामले को सुनवाई किया जाएगा, फिर वो फाइल दे देंगे। क्योंकि जो हमारा एडवोकेट एक्ट है सेक्शन 35, वो ये कहता है, एडवोकेट एक्ट का सेक्शन 35 कहता है कि किसी भी वकील साहब को ये अधिकार नहीं है कि यदि उनका फीस भी ड्यू है तो वो किसी क्लाइंट के फाइल को रखने अपने पास, क्योंकि वकील के फीस से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लाइंट का केस होता है। यदि उनका फीस ड्यू है तो वो कानूनी रूप से नोटिस करके, रिकवरी सूट फाइल करके वो अपना फीस वापस उनसे ले सकते हैं, ना कि उसके फाइल को रोक के। यदि क्लाइंट आपके पैरवी करने से सेटिस्फाई नहीं है, आप जिस तरीके से केस को हैंडल कर रहे हो, कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे हो, उससे वो है पूरा सेटिस्फाई नहीं है, सहमत नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने फाइल को वापस ले सकता है, अपना वकालतनामा आपके पास से विड्रॉ करके किसी दूसरे वकील साहब को अपॉइंट कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग यदि कोई वकील साहब को अपने केस में अपॉइंट किए हैं, आपको लगता है कि मेरे वकील साहब के द्वारा ये केस पे सही से काम नहीं किया जा रहा है, या किसी भी प्रकार का डाउट्स है, तो पहले तो वकील साहब से बैठ के उस डाउट को क्लियर करें, उनको बताएं कि सर आप सही से काम नहीं कर रहे हैं, ये डाउट है, सही से काम कीजिए, और यदि नहीं करेंगे तो मेरा फाइल वापस दे दीजिए। यदि वो वकील साहब फिर सही से काम करते हैं, आप फिर सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने फाइल वापस मांग सकते हैं। फाइल यदि वापस नहीं देते हैं तो आपको जो प्रोसीजर मैंने बताया है उस प्रोसीजर को फॉलो करके आप कानून का सहारा लेकर के अपना फाइल उनसे वापस लेके दूसरे वकील साहब को अपने केस में पैरवी करने के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपका कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए मित्र इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।